नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कतलकर और आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। आज है 5 फरवरी और अब नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के झांसे में फंस गई युवती, दिए 20 लाख। अकोला के अंतरी मलकापुर गांव का हैरान कर देने वाला सजाया सामने। युवती को नियुक्ति पत्र तो आ गया लेकिन पुलिस विभाग द्वारा प्रशिक्षण व पोस्टिंग की सूचना न मिलने से मामला आया सामने। आरोपी मनोज तिवारी के खिलाफ युवती ने की है शिकायत। गढ़चिरौली जिले में बचत गट के नाम पर अवैध रूप से साहूकारी का काम कर रही दो महिलाओं के घर पर पुलिस ने मारा छापा। सहकारिता विभाग व पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से आरोपी मोनिका खनके व संगीता निम्बालकर सहित अवैध साहूकार के दस्तावेज किए जब्त। शराब पर प्रतिबंध होने के कारण भी गढ़चिरौली जिले में हो रही है अवैध शराब की बिक्री। रेपनपल्ली इलाके में लगभग 4 लाख की पकड़ी गई अवैध शराब। स्कॉर्पियो कार से हो रही थी बिक्री। कार्तिक दुर्गे, सुजल मंडल आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, साथ ही एक आरोपी है फरार। केरल में ट्रांसजेंडर कपल देगा बच्चे को जन्म। जिया एक पुरुष के रूप में पैदा हुई थी जो लिंग परिवर्तन से महिला बन गई। महिला के रूप में जन्म देने वाला जहाज सर्जरी के बाद पुरुष बन गया। अब ये कपल एक बच्चे को देने वाला है जन्म। इस बात से हो रही है सोशल मीडिया पर चर्चा। मालेगांव तहसील के चोपड़ गांव के एक किसान ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। खेत में ही कर ली अपनी जीवन यात्रा समाप्त। मृतक किसान का नाम गणपत आत्रा पर आत्महत्या का कारण अभी तक है स्पष्ट। दक्षिण नागपुर NHUI द्वारा महामेट्रो के अधिकारियों को टिकट मूल्य वृद्धि को कम करने के संबंध में दिया गया निवेदन। टिकट की कीमत 5 से 25 रुपए करने पर किया विरोध प्रदर्शन। दखल न देने पर कार्यकर्ताओं ने आक्रामक भूमिका निभाने की दी चेतावनी। माढ़ेरी स्वीट सड़क पर ट्रक की जोरदार टक्कर में हुई बैल की मौत। जिनिंग प्रेसिंग में कपास बेचने जा रहे लक्ष्मण जमुन करके बैलगाड़ी को दी जोरदार टक्कर। मालिक हुआ घायल पर बैल की हुई मौके पर ही मौत। वरोरा तहसील के दहगांव में एक चोर ने घर में घुसकर दिन दहाड़े कर ली चोरी। करीबन 1 लाख का सोना चुरा ले गए चोर। सुभाष बोरकर के घर से चोर ने खिड़की से मारी थी एंट्री। इस मामले में परिवार ने की है शिकायत। वरोरा नागपुर चंद्रपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर तेंदुए ने किया दोपहिया चालक का पीछा। विनय मोरे और सौरभ मिले वरोरा से आ रहे थे, उसी वक्त किया कल रात पीछा। दोपहिया के स्पीड के चलते दोनों बच गए बाल बाल, लेकिन डर की वजह से अब नागरिकों ने तेंदुए को कैद करने की है मांग। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल करो, सांसद बालू धानोरकर द्वारा की गई मांग। नागपुर विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधायक सुधाकर अडवाले की जीत के अवसर पर चंद्रपुर के गांधी चौक में कल थे उपस्थित सांसद बालू धानोरकर। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।